कोरोना संकट काल में छत्तीसगढ़ में स्कूल फीस के बढ़ते दबाव और आर्थिक संकट के बीच पालकों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकाल लिया है। निजी स्कूल एसोसिएशन की माने तो स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 2 लाख तक पहुंच गई है। 20 जिलों से लगभग 1,50,000 बच्चे अपना नाम कटा चुके हैं। शेष 8 जिलों के आंकड़े आना भी बाकी रह गए हैं। इस स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव गुप्ता से बातचीत की हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि बात सामने आ रही है कि लाखों बच्चे अपने टीसी निकालते जा रहे हैं पूरा प्रदेश से, क्या कारण समझ में आता है इसका? या जो ट्यूशन मनमानी फीस के जो आरोप लगते हैं वो है, या आर्थिक तंगी? देखिए, पूरे विश्व में जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की, तो ये जो टीसियां जा रही हैं प्राइवेट स्कूलों से, वो उसका बड़ा कारण जो है अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है पूरे देश की, वो बड़ा कारण है। इसमें जो देखने वाली बात ये है कि जो निजी स्कूल हैं, निजी स्कूलों में बड़े स्कूल जो हैं, जहाँ पर आप ऐसा लगता है कि फीस अपेक्षाकृत ज़्यादा है, या वहाँ तो टीसियाँ नहीं जा रही हैं, लेकिन जो छोटे बजट स्कूल हैं, बजट स्कूल में जो पालक मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय से कम आय वाले पालक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ से टीसियाँ बहुत जा रही हैं। इसका मतलब जो समाज में निचले तबके का व्यवसाय है, या उस व्यवसाय से जुड़े हैं, या रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनमें टीसी जाने की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए है कि हर जगह सरकारी स्कूल जो है वो उपलब्ध नहीं है। सरकारी स्कूलों से दिगर जो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई निजी स्कूल दे रहे हैं, वो कहीं के भी हों, रायपुर के हों या प्रदेश में किसी भी जगह हों, उसके कारण वो पालक अपने बच्चों की वहाँ एडमिशन कराते हैं, वहाँ दाखिला कराते हैं। अब जब ये टीसियाँ जा रही हैं, तो सरकार को ये सोचना होगा कि वो बच्चे कहीं ड्रॉप आउट ना हो जाएं। ड्रॉप आउट अगर होते हैं, चलिए मान लीजिए वो निजी स्कूल से टीसी ले रहे हैं और वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, तब तक तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो ड्रॉप आउट की स्थिति है तो ये चिंताजनक है। सरकार को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए, और ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो सरकार 47 लाख बच्चों को पढ़ा रही है, उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। शिक्षा पे अब ध्यान देने की जरूरत है। अब सरकार को अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के बाद शिक्षा पे तुरंत प्रभाव से ध्यान देना चाहिए। चूंकि हम सब जानते हैं और ये कहा जाता है कि शिक्षा सबका अधिकार है, तो ये वक्त दिखाने का है सरकार के पास कि वो कितने मजबूती से शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।